इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम टॉल किट की। अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, सिम टॉल किट इज़ नॉट रेडी और अनसपोर्टेड, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, फिक्स करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा आता है सिम टूल किट इज़ नॉट रेडी और अनसपोर्टेड। जब भी हम सिम टूल किट ऐप को ओपन करने की या फिर खोलने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से हमारे सामने जो है बार बार एरर लिखी आ जाती है। तो कैसे आपको इसे ठीक करना है। सिम टूल किट अगर आपका नहीं चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर ये लिखा आता है, तो सबसे पहले तो इसकी वजह यही होगी कि आपने अपने फ़ोन में सिम कार्ड इंसर्ट नहीं की होगी। ठीक है, अगर अपने फ़ोन में सिम कार्ड अगर आपने नहीं डाली है और सिम टूल किट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि सिम टूल किट जो आपने सिम डाली है वो सही तरीके से डाली है, और जो स्लॉट है जैसे एक नंबर या फिर दो नंबर वाली, तो उसके अंदर आपने जो है सही तरीके से सिम टूल किट जो है लगाई हुई है। और दूसरे केस में अगर आपका सिम आपने मतलब फ़ोन में एरोप्लेन मोड, फ्लाइट मोड लगा रखा है, या फिर सिम कार्ड को बंद कर रखा है, या फिर नेटवर्क नहीं आ रही है, नेटवर्क भी आपका चला गया है सारा, तो भी उस केस में भी सिम टूल किट आपका शो नहीं होगा, या फिर सिम टूल किट इसी तरीके का आपको एरर देगा। तो अब आप क्या करोगे, सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पर सिम टूल किट आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पर हम सिम टूल किट सर्च करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिम टूल किट का जो डाटा होता है उसको क्लियर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सिम टूल किट की ऐप होती है, उसका बस आपको डाटा क्लियर कर देना है, और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। या फिर अपने सिम कार्ड को एक बार निकाल कर वापस से लगा दीजिए, उसके बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने वाली है। बस यहाँ पे आपको ये प्रोसेस कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।